हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत सिविल व्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आया हूँ, वाटर पार्क का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको दिखाऊंगा किस तरह से कंस्ट्रक्शन जो होता है, तो सारा कुछ एक एक करके वेव पूल किस तरह से बनता है, वाटर पार्क किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, सारा कुछ एक एक करके दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। और एक बार बता दूंगा, अगर आप रांची से या फिर आसपास क्षेत्र से और चाहते हैं अपने घर का डिज़ाइन कराना, नक्शा बनाना, नक्शा पास कराना, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से काम होता है। तो मैं आ गया हूँ साइट पे, और यहाँ पे आप देखें जो राउंड वाला पुल जो था, जो ऑलरेडी मैंने पहले दिखाया हूँ कि किस तरह से ढलाई किया गया है, तो उसमें जो है ये जो वाटर पार्क का जो भी ये पार्ट है वो लग रहा है, स्लोपिंग जो स्लाइडिंग वाला जो भी यहाँ पे लगने वाला है वो सारा कुछ रेडी है, और यहाँ पे फिटिंग का काम किया जा रहा है। और इसके बाद ऊपर से टाइल्स लगेगा, ठीक है। टाइल्स पहले नहीं लगता है, टाइल्स बाद में लगता है, इस बात का ध्यान रखें अगर आप इस तरह का कहीं भी काम करवा रहे हैं तो। और लेकिन देखिएगा यहाँ पे पाइप वगैरह निकाल के रखा गया है, जो भी आपका ड्रेन आपका वाटर जो सप्लाई करेगा वो उसका पाइप है ये। ओके, तो कुछ इस तरह से किया गया। और यहाँ पे देख रहे कुछ कुछ प्रोडक्ट है स्लोपिंग वाला, स्लाइडिंग वाला, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पर आया है, और किस तरीके से लगाया जाएगा सारा कुछ एक एक करके यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ओके, तो चलते हैं आगे अगला पार्ट में कि किस तरह से जो है अगला पुल का जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है और किस तरह से काम हो रहा है। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, जो प्लांट देख रहे हैं ट्री है, इसको कटिंग नहीं किया जाएगा, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस इसको रखा गया है, इसको डिज़ाइनिंग पार्ट में यूज़ करना है। ओके, और हम लोग चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो स्लोपिंग वाला स्लाइडिंग पूल है यहाँ पे, तो इसका जो बॉक्स है वाटर पूल जो है वो बन के रेडी हो गया है। लगभग इसका डेप्थ है वो 4 फीट है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जूट बैग का यूज़ किया गया है इसका जो वाल है उसको क्वेरिंग करने के लिए, और इसका जो अंदर का जो कटिंग है वो हल्का सा राउंड बनाया गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सारा कुछ, और थिकनेस इसका 5 इंची दिया गया है। ओके, तो इस ये जो है आपका क्वेरिंग किया जा रहा है, ढलाई हो चुका है, और इसका जो ये टावर है ये देख रहे हैं, इसका जो टावर है ये बन रहा है, और इसके ऊपर में थोड़ा सा 3 फीट उठा करके कटिंग कर दिया जाएगा, और इसके ऊपर जो है आपका फैब्रिकेशन वाला यानी लोहा वाला जो है स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनेगा। ओके, तो इस तरह से सारा कुछ स्टील स्ट्रक्चर का जो भी यहाँ पे बनेगा आपको टावर स्टील स्ट्रक्चर का रहेगा, कंक्रीट स्ट्रक्चर बस फाउंडेशन और प्लीन बीम तक ही था। ये हम आते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं तो ये वेव पूल का डिज़ाइन है, ये वेव पूल का है। मैं पास से आपको ले जाकर सारा कुछ इसके बारे में बताता हूँ कि कहाँ तक ये अभी तक रेडी हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप वीडियो बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी मैं आपको देते रहूँगा थोड़ा थोड़ा करके, आपको पर डे कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहता हूँ, तो इस तरह से आपको जानकारी कुछ भी मिलते रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो वेव पूल है, इसका आगे का लेवल जो है पानी का 0 रहेगा, और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 0 लेवल रहेगा, और नीचे जाएंगे तो वहाँ 5 फीट 5.5 फीट 5 फीट 6 इंची लेवल आपका हो जाएगा, यानी कि 5 फीट 6 इंची डाउन है, इस कारण से आपको वहाँ पे लेवल ज़्यादा मिलेगा पानी का। ओके, तो आपने वे पुल देखा ही वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, मतलब कि किस तरह का होता है, तो उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि किस तरह से डेप्थ जाता है समुंदर की तरह, यह डेप्थ गहरा होते जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो किस तरह से ढलाई हुआ है, और प्रॉपर क्वेरिंग के लिए आपका यहाँ पे जूट बैग का यूज़ किया गया है, सारे एरिया में जूट बैग को यहाँ बिछाया गया है ताकि किसी तरह का क्रैक्स ना आए, जिससे क्रैक्स आने से क्या होगा कि जो पानी है टाइल्स के थ्रू जाएगा, टाइल्स में तो क्रैक आएगा ही, प्लस आपका नीचे भी क्रैक्स के थ्रू पानी जाएगा, डिस्टर्ब करेगा क्रैक। ओके, तो इस तरह से इस तरह ध्यान में रखना, साइड साइड में आपका बीम दिया गया है, और यहाँ पे आप देख रहे थे यहाँ पे आने के बाद प्लेन हो जाएगा, और यहाँ आप देख रहे हैं तो आरसीसी वाल जो है वो तीनों साइड में आरसीसी वाल के लिए लोहा निकाला गया है, तो 10 इंची का यहाँ पे आरसीसी वाल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, तो इसलिए लोहा यहाँ पे निकाला गया, यहाँ पे आके ये प्लेन हो गया है, यानी यहाँ पे आके आपको ना लगभग 5.5 फीट 0 लेवल मिल जाता है, मतलब कि 5 फीट 5.5 फीट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके पीछे में ब्रिक वर्क जो हो रहा है वो आपका उसके ऊपर में लगेगा, आपका जो भी इसका मशीन रूम है वो बनेगा, तो उसके लिए पीछे में कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा रफ रखा गया, क्यों रफ रखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर में रिटेनिंग वाल जो है लोहा जो दिख रहा है ना, ये रिटेनिंग वाल इसके साथ में उठेगा, तो कुछ इस तरह का आपको
यहाँ पे इससे ऐसे लोहा दिया गया है 10 mm का। इससे पहले भी वीडियो में मैं दिखाऊंगा किस तरह से जाली बनाया गया है, किस तरह ढलाई होता है, सारा कुछ एक एक लेवल दिया गया। जानकारी सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।